अस्सलाम वालेकुम, एफ टेक पे खुश आमदीद। आज मैं अपने पहले अनबॉक्सिंग रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हिदमत हूँ। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स 0X नियो की, जो कि काफ़ी बजटेड फ़ोन है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी तारीफ सुनने में आई थी। सो हमने इसकी प्री बुकिंग करवा ली है, तो आए देखते हैं। लैपर्ड ने जल्दी ही हमें डिलीवर कर दिया था, तो देखते हैं बॉक्स में क्या है। जी, तो ये इन्फिनिक्स के आई रॉकर हैं, साथ हमें फ्री मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम फोन की तरफ जाते हैं। वाओ, पैकिंग काफ़ी अच्छी है, स्टाइलिश है काफ़ी। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। जी, तो ये पैकिंग हमने रिमूव कर ली है। ये देखें, ये इसकी कुछ स्पेक्स लिखी हुई हैं। ये है 128 GB, 8 GB GPS, वाईफाई, एंड्रॉयड 11, 16 MP फ्रंट कैमरा, बैक 48+8, 5x जूम। ठीक है, और इसमें हेलियो G95 प्रोसेसर है। चलें देखते हैं फ़ोन कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, फोन की पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है और इवन फोन उससे भी ज़्यादा ग्रेसफुल है माशाल्लाह। वाओ, लुक में बहुत खूबसूरत है ये फ़ोन। देखते हैं बाकी अभी इसमें और क्या क्या है इनके साथ पैकिंग में, बाकी चीज़ें बाद में रिव्यू करते हैं। ये उन्होंने कुछ आपको बारकोड दिए हुए, साथ में IMEI डिटेल्स हैं। ये आई थिंक आप बॉक्स पे पैक करेंगे, बाद में देखते हैं इनको। देख लेते हैं एक्सेसरीज कौन कौन सी है साथ अवेलेबल। जी, तो ये फ़ोन में देख सकते हैं आप, एक वारंटी कार्ड है इन्फिनिक्स की, 1 ईयर वारंटी है विद बैक कवर है, जो कि बहुत ग्रेसफुल है। और उसके साथ उन्होंने एक फ्रंट प्रोटेक्टर दिया हमें। ठीक है, इसको साइड पर रखते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं कॉपी है, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल फेक या कुछ लोग रियल पैसे रखते हैं मोबाइल की बैक साइड पे, तो ये उन्होंने हमें ये भी साथ दिया कि हम इसको एज अ इधर कवर की बैक साइड पे भी रख सकते हैं। ठीक है, बाकी बॉक्स में एक चार्जर है और हैंड फ्री है, और साथ में सिम इजेक्टिंग टूल है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग है। यू जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर में फास्ट चार्जिंग की इंडिकेटर होता है। जी, इन चीज़ों को हम साइड पे करते हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। ये इसका साइड फिंगरप्रिंट है और बहुत ही ग्रेसफुल फ़ोन है, और सिल्वर विद ब्लू शेड है इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, तो फ़ोन ऑन हो रहा है, देखते हैं जैसे ऑन होता है। कोई ऊंची जगह नहीं है तेरे पास ताकि ऊपर हो गए तो कैमरे। जी, तो फोन ऑन हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी हम सेटिंग्स करेंगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, देन कंट्री में हम सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। जी, ये पाकिस्तान। अगर हमने सिम इंसर्ट की होती तो पाकिस्तान वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देता। सिम हम बाद में इंसर्ट करेंगे, लेट स्किप इट। वाईफाई को भी स्किप करते हैं, जस्ट टर्न ऑन करते हैं इसको। इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बताई हुई है, बैटरी बिल्ट इन है, रिमूवेबल नहीं है, और आप पावर बटन को 8 सेकंड्स के लिए अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ यूज़ हैं, इनको ओके करते हैं, और जी ऐप्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। फेस फिंगरप्रिंट जो है, फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं कितना फास्ट है, और सबसे अभी सिर्फ पिन लगा के चेक करते हैं। देखते हैं फिंगरप्रिंट को, फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अभी हम इसको बाद में सेट करेंगे। फ़ोन अभी हम नहीं डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, और ये फ़ोन हमारा हो गया है एक्टिवेटेड। जी, वाओ,
इन्फिनिक्स की स्क्रीन को इतनी अच्छी क्वालिटी में मैंने पहले नहीं देखा। डेफिनेटली उन्होंने अपनी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन काफ़ी फास्ट है। ई वारंटी वाउचर हमें आ गया है, ऑनलाइन एक्टिवेशन कर सकते हैं हम इसकी। ये गेम जोन की एप्लीकेशन है, जिससे आप फ़ोन को में गेम्स को बहुत फास्टली यूज़ कर सकते हैं। जो भी गेम आप इसमें ऐड करेंगे वो बहुत फास्ट रन होंगी, ठीक है। इसके बाद जस्ट देख सकते हैं, कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। सेटिंग्स में देख लेते हैं, मेन्यू कैसा है। वही बेसिक सेटिंग्स हैं, थीम्स हैं, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स हैं, और मल्टीपल सेटिंग्स और भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना कैमरा, जिसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि कैमरा हमारा 60x जूम के साथ है। तो चेक करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा है, 5x की ऑप्शन उन्होंने पहले से ही दे दी हुई है। जस्ट इसको देखते हैं, इसको व्यू करते हैं। ये हमारा 5x है, 5x के लिए थोड़ी सी दूर की चीज़ चाहिए होती है। तो फिलहाल ये देखें, ठीक है। ये आउटडोर में आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इनडोर के लिए अभी 48 मेगापिक्सल पर जाके चेक करते हैं। इट्स परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। जूम इनडोर में जो है वो हम नहीं चेक कर सकते, इंशाल्लाह इसका डिटेल रिव्यू बाद में दिखाएंगे। बाकी इसमें ब्यूटी मोड है, ठीक है। इसमें और काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं, जिसमें आप अपना फेस और बॉडी को स्लिम कर सकते हैं। फिर पोर्ट्रेट मोड है, और पोर्ट्रेट मोड में आपकी सेटिंग्स भी ऑप्शन है, कितना आप ब्लर करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहिए। और सुपर नाइट मोड भी अवेलेबल है। वाह, लाइट्स ऑफ करके हम इसको चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाद में आपको एक डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करेंगे। कैमरा फिलहाल देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो में इवन बुके मोड भी है, मीन्स आप वीडियो में भी जो है ना किसी को बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। अच्छी ऑप्शन है। फ़ोन का वेट भी ठीक है, मेल्स के लिए काफ़ी परफेक्ट साइज़ है। और इवन मुझे इसका जो बॉडी है बहुत ग्रेसफुल लग रही है, ठीक है। ये देखें, ये नीचे टाइप सी है। फिर हेडफोन जैक है, माइक है, और स्पीकर्स हैं। साइड पे सिम इजेक्टिंग टूल है, सिम टूल है, और टॉप पे कुछ भी नहीं है। साइड पे फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम रॉकर है। और इसके बाद ये देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव फ़ोन है, किसी साइड से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लें तो ये हमारा था एक छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग रिव्यू। इंशाल्लाह इसकी डिटेल रिव्यू के साथ बाद में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।